आज ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग पर वाराणसी कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। ये मामला जो है वो कार्बन डेटिंग को लेकर है। कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि ज्ञानवापी सर्वे में मिला कथित शिवलिंग कितना पुराना है। इसके अलावा मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर भी सुनवाई होगी। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज देश की निगाहें मंदिर मस्जिद विवादों के दो मामलों पर टिकी रहेंगी। पहली तस्वीर वाराणसी की है जहां कार्बन डेटिंग कराने की मांग पर फैसला आ सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर मथुरा की है जहां सर्वे कराने वाली याचिका पर सुनवाई है। लेकिन इनमें ज्ञानवापी मामला अहम है क्योंकि फिलहाल इस पर सबकी नजरें हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में अगर शिवलिंग मिला है तो कार्बन डेटिंग से पत्थर की जाँच की जा सकती है। कार्बन डेटिंग ये बताता है कि पत्थर कितने साल पुराना है, इसलिए आज का दिन ज्ञानवापी केस के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वाराणसी जिला जज AK विश्वेश इस पर फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है। कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष दो धड़ों में बट गया है। जितेंद्र सिंह बिसेन का पक्ष इसका विरोध कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा जो विष्णु शंकर जैन का है वो कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है। यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, कार्बन डेटिंग जहाँ जहाँ जरूरत वैसी हो, ताकि सच्चाई का पता लगे और ये पता लगे कि यहाँ क्या क्या है। दरअसल ज्ञानवापी पर चल रहे अलग अलग मामलों को इस तरह समझिए कि इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी संपत्ति भगवान विश्वेश्वर की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी पर उसका हक है, वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि औरंगजेब ने इस पर जबरन कब्जा किया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के जरिए कराए गए सर्वे के आदेश को गलत बताया था, जबकि हिंदू पक्ष ने सर्वे के आदेश का समर्थन किया था। सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया है, वहीं दूसरे पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की है, जबकि हिंदू पक्ष ने मांग की है कि उसे पूजा का अधिकार मिले। तो कुल मिलाकर दिन आज का बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर जो कथित शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग पर फैसला अदालत की तरफ से आज सुनाया जा सकता है, और साथ ही साथ दूसरा मामला जो मथुरा से जुड़ा हुआ है वहां सर्वे कराने को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है अदालत की तरफ से। इसी पर चर्चा करने के लिए आइए जरा पहले आपको लिए चलते हैं वाराणसी। मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय दुबे से कितना महत्वपूर्ण आज का ये फैसला रह सकता है इस पूरे मामले के लिए। निश्चित ही महत्वपूर्ण तो बेहद ज्यादा है, और इसमें महत्वपूर्ण कड़ी सबसे यह है कि पिछली बार अब से लगभग कुछ दिन पहले जब कोर्ट ने फैसला पोषणीयता पे सुनाया तब मामला हिंदू पक्ष वर्सेस मुस्लिम पक्ष था, पर आज के दिन खुद हिंदू पक्ष में टूट हो गई है। मेरे संग हिंदू पक्ष के ही वकील हैं सुधीर त्रिपाठी जी। सुधीर जी, मैं अब आपको हिंदू पक्ष का वकील बोलूं, अब एक परिवार बिसेन परिवार अलग हो गया, आपका परिचय मैं कैसे दूं, हिंदू पक्ष का वकील बोलूं या क्या बोलूं? नहीं, मेरा परिचय तो हिंदू पक्ष का वादी अधिवक्ता ही रहेगा। अब बिसेन परिवार जो अलग हो गए, हाँ बिसेन परिवार व्यक्तिगत हो गए, हम लोग सनातन परिवार हैं, वसुधैव कुटुम्बस्य, इसका हम लोग पालन करते हैं, पूरी वसुधा हम लोग के परिवार है। वसुधा को कुटुंब तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो मैं शुरू में सर्वे के दौर में देखता था 5 महिलाएं थी, उनके वकील थे, टीम एक थी, पर यही कुटुंब टूट गया है। ऐसा आप लोगों के बीच क्या हो गया कि हिंदू पक्ष में ऐसी टूट हो गई और कार्बन डेटिंग को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डेटिंग होनी चाहिए? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनकी भाषा वही निकल रही है जो विरोधियों को निकलना चाहिए, और अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता को जो कहना चाहिए उनके अधिवक्ता कह रहे हैं। कोर्ट में बहस के दौरान भी उन्होंने वही कहा, और उनके बहस पर विपक्ष के अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने कहा कि मैं सहमत हूँ, दो लाइन बताना है कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। और रही बात जहाँ तक कि फूट की, देखिए उनको हमारी जो प्रार्थना पर समझ में नहीं आ रही, कार्बन डेटिंग जाँच की कोई मांग नहीं की गई है, कही गई है कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जाँच जिससे शिवलिंग की किसी प्रकार की क्षति न हो। अब इनकी इतना पुराना है शिवलिंग, कैसा है क्या है इसकी जांच की रिपोर्ट एक आ जाए जिससे स्पष्ट हो जाए कि शिवलिंग है। और उनका द्वारा विरोध किया गया, उन्होंने यहां तक कहा है उनके अधिवक्ता द्वारा, उन द्वारा कहा जा रहा है यदि यह फैसला हिंदू के पक्ष में आता है, वादी के पक्ष में आता है, तो मैं हाईकोर्ट जाऊँगा। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट क्यों जाएंगे,
दावा हरिशंकर जैन गुरुदेव द्वारा बनाया के दाखिल किया गया है, हम लोग उस पर ट्रायल लड़ रहे हैं। अगर हम लोग की प्रार्थना पत्र उनको समझ में नहीं आ रही है तो दूसरा दावा दाखिल कर लें। अब मैं आपके झगड़ों पे तो बात कर लिया, मुझे जरा समझाइए कार्बन डेटिंग आप लोगों ने जो पक्ष कोर्ट में रखा, एक ही दिन की सुनवाई में पूरी बात हो गई, क्यों चाहते हैं आप, क्या हित होगा कार्बन डेटिंग से, क्या पता चलेगा? जैसे मुस्लिम उसको फब्बारा कह रहे हैं तो फब्बारा कह रहे हैं, और कार्बन डेटिंग से हमारे शिवलिंग की कितना प्राचीन है और उसके अर्घे कहाँ हैं क्या हैं, और कार्बन डेटिंग नहीं इसको वैज्ञानिक जांच कहिए, मेरा कार्बन डेटिंग ऑब्लिक वैज्ञानिक जांच है, वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, इससे शिवलिंग को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाए बगैर, तो यह जाँच की विषय है। आवाज जो आदेश आ जाएगा, आदेश के बाद जांच हो जाएगा कि कितना पुराना शिवलिंग है, इससे 1947 में शिवलिंग था, ऐसे पुराना था कितना था पता चल जाएगा। शिवलिंग की जो प्रामाणिकता है, जो ऐतिहासिक उसका साक्ष्य है, उसको लेकर कार्बन डेटिंग की बात जो हिंदू पक्ष के वकील हैं सुनील त्रिपाठी मांग की है, और उसी के ऊपर आज फैसला आएगा। बिल्कुल अजय, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बहुत स्वागत आप दोनों का। महंत राजू दास जी, ये कार्बन डेटिंग को लेकर ही हिंदू पक्ष दोफाड़ हो गया, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष तो लगा रहता है, हमको नहीं लगता है कि हिंदू पक्ष दोफाड़ हो जाएगा। यह सनातन संस्कृति की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अगर गुटबाजी करके लोग कर रहे हैं कोई बात नहीं, उसमें भी जो मुस्लिम पक्ष है एक पक्ष से मिल गया जिसके नाते दोनों में मुटमुटाव चला, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विषय है कि भगवान भोले का शिवलिंग वहां पर उदय हुआ है और उसकी बकायदे जांच होनी चाहिए, और जांच के लिए जो डिमांड है हिंदू पक्ष का वकील है और पक्षकार भी लगे हैं, मुझको न्याय मिलेगा क्योंकि हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, और कोर्ट के ऊपर भरोसा है तो न्याय मिलना तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बात विवाद तो लगा रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम पक्ष जो है उसको तो स्वागत करना चाहिए कार्बन डेटिंग करवाने का, जो कथित शिवलिंग है, इससे कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति क्यों कर रहा है? देखिए, मुस्लिम पक्ष आपत्ति इसलिए कर रहा है कि दूध का जरा मट्ठा फूंक के पीता है। बाबरी मस्जिद के मामले में जिस तरह से इन लोगों ने अपना काम किया, उसलिए इस मामले में ज्ञानवापी के मामले में पक्ष के सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से कानून की लड़ाई भी लड़ने का अपना एक तरीका होता है। डरने की कोई बात नहीं है, तो डर इसलिए रहे कि आप लोग सरकार में है, डर इसलिए रहे कि आप लोग सरकार में है, डर रहे कानून को पर भरोसा नहीं है, कानून मतलब कोई चीज नहीं है, कानून मतलब कोई चीज नहीं है, इसीलिए हाई कोर्ट गए हम लोग। क्यों डर रहे हो भाई? हम लोग इसीलिए हाई कोर्ट गए, कानून को भरोसा नहीं होगा तो नहीं जाते। डर रहे इसलिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, शिवलिंग है 9% शिवलिंग है, डंडे की चोट पे कहते हैं, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र, इसमें उसका वर्णन है, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर, ये आपके यहाँ लिखा पड़ी में, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपके यहाँ तो लिखा पड़ी में है सरकार, तो कि इतने सन में इन लोगों ने इस मंदिर को तोड़ा। आपने जितने बौद्ध मंदिर तोड़ा आपने, सब वापस कर दीजिए बौद्ध भगवान को, बौद्ध मंदिर तोड़ा गया ना देश में, ये भी बौद्ध मंदिर निकलेगा। चलिए ठीक है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और इस सबके बीच महंत राजू दास जी, आपने कहा कि ये जो पूरी लड़ाई है वो दरअसल सनातन के लिए लड़ाई है, सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई है, लेकिन अगर हिंदू पक्ष ही कार्बन डेटिंग कराई जाए या नहीं इसको लेकर दोफाड़ हो जाता है, तो क्या अदालत में सनातन संस्कृति की ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी? नहीं, कभी कतई कमजोर नहीं पड़ेगा, एक ही हिंदू काफी है लड़ाई में योगदान, सहयोग और संघर्ष करने के लिए, हम कोई हवा में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सारे साक्ष्य एविडेंस और प्रमाण वैदिक सनातन और इसकी है। अब रही कि कोर्ट को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, कोर्ट को वेद पुराण शास्त्र से नहीं लेना देना होता है, कतिपय कुछ ही विषय पे कोर्ट जब इच्छुक होती तभी ले पाती है, तो जब आप देखिए वहाँ जो वजू खाना था, वजू खाना में जो शिवलिंग मिले हैं उसकी जब कार्बन, जब ये सर्वे हो जाएगा
तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहा ये शिवलिंग है कि नहीं लेंगे। तो फाजल अहमद साहब, ठीक है फाजल अहमद साहब, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि साहब जो साक्ष्य है उस पर मोहर लग जाएगी जब कार्बन डेटिंग हो जाएगी, इसी वजह से कि जो सत्यता है वो स्थापित हो जाएगी, क्या मुस्लिम पक्ष डर रहा है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। देखिए ये बहुत पुराना मामला है काशी मथुरा, और जब वर्शिप एक्ट पास हुआ था उस वक्त बाकायदा उस एक्ट में ये मथुरा और काशी का नाम था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी देश में किसी भी धर्म स्थल की बात नहीं की जाएगी। जैसे तो अभी देखिए आप एक मिनट राजूदास जी, आपको सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, ताकि दर्शक समझ सके कि आप लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सबका नजरिया पहुंचने दीजिए दर्शकों तक। फाजल अहमद साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन इस बात की रोशनी में कि यही 1991 वर्शिप एक्ट जो लेकर है, इसको लेकर दलील जो आप लोगों ने दी निचली अदालत में, वो तो खारिज हो गई ना। अदालत ने फैसला सुनाया कि ये कोई आड़े नहीं आ रहा है और मामला जो है वो चल सकता है, सुनवाई होगी मामले पर, वही हो रही है। निचली अदालत का फैसला एक दबाव में दिया गया है, इसलिए उसकी पैरवी जो है, हम लोग हाईकोर्ट गए हैं और ऐसा नहीं, निचली अदालत का फैसला बिल्कुल गलत है सर। अदालत अपने विवेक के हिसाब से फैसला देती है। आप इस तरीके की बात करके कि दबाव में दिया गया फैसला, ये तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं सर। मुझे लगता है आप सर अवमानना कर रहे नहीं, इसीलिए हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल, वो आपका अधिकार है, ऊपरी अदालत में जाकर दरवाजा खटखटाना आपका अधिकार है सर। लेकिन मुझे लगता है कि जरा सा अदालत के विवेक पर आप यहाँ पर सवाल मत उठाइए। आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल असहमत है, इसलिए हाईकोर्ट जा रहे हैं ना, हाईकोर्ट इसलिए जा रहे हैं उसके खिलाफ। गलत बात है, कोर्ट दबाव में क्यों फैसला देगी? कोर्ट दबाव में फैसला दे देके कर्नाटक तो वहाँ पर ज्ञान मजा नहीं होता। फैसला देते हैं एक सेकंड, महंत राजूदास जी एक सेकंड, फाजल अहमद साहब एक मिनट सर, आपका अधिकार है, आप हाई कोर्ट में चले गए, आपने चुनौती दे दी है। अब यहाँ मुद्दे पर बात कीजिए, कभी आप कर्नाटक चले जाते हैं, कभी आप अयोध्या बाबरी का जिक्र करने लगते हैं, आप यहाँ ज्ञानवापी, एक सेकंड मुद्दे पर रहिए ना, आप यहाँ पर ज्ञानवापी पर चर्चा करने आए हैं ना, आप आज अदालत जो फैसला सुना सकती है उस पर चर्चा करने आए हैं ना, तो प्लीज उसी पर जवाब दीजिए, मुद्दे मत। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि कार्बन डेटिंग हो या ना हो, इसको लेकर आपको आपत्ति क्यों है? इसको इस पर आपको आपत्ति क्यों है? आप लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए? क्या दाल में कुछ काला है जिसको छुपाना चाहते हैं आप? क्या इस वजह से आप चाहते हैं कि सच सामने ना आए? सच सामने क्या है? दिख रहा है कि वो मस्जिद है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, अभी वर्तमान में मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ी जा रही है, अब इससे बड़ा सच और क्या जानना चाहती हैं आप? सर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है ना, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो आप वजू खाने का फव्वारा कह रहे हैं वो उसको कथित शिवलिंग कर रहे हैं, तो अगर ये प्रूव हो जाएगा तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? अगर सच सामने आ जाएगा, जो भी सच होगा वो सामने आने दीजिए ना, आपको क्या आपत्ति है इस पर? आपत्ति इसलिए है कि ये लोग देश की सारी मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, ये सारी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, ये दावा, इनका दावा तो कभी 100 साल तक खत्म ही नहीं हो सकता। चलिए आइए राजूदास जी जवाब दीजिए। महन जी वो ये कह रहे हैं कि साहब ये दावा बढ़ता जा रहा है, दावे का दायरा, इसी वजह से हम विरोध कर रहे हैं ताकि इस पर फुल स्टॉप लगे। नहीं नहीं, देखिए इन्होंने जिस प्रकार से विषय को भटकाने का काम किया है, इन्होंने तो पहले कह दिया कि निचली अदालत ने दबाव में फैसला दिया, इस चीज को हम खारिज करते हैं इसके नाते, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर संविधान को चैलेंज कर दिया, कोर्ट की तोहिनी कर दी, और इस देश के संविधान में इनका कहीं से आशा नहीं है। नंबर दो इन्होंने कहा कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, ये मस्जिद है। इनको मैं कहता हूँ कि ये चश्मा लगा ले और ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे के साइड में चले आवे, देख लें वो मंदिर है कि मस्जिद है, कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, वो एक कोना लटका हुआ पड़ा हुआ। नंबर तीन, जो खुदाई हुई, जो सर्वे जो चल रहा है, उसमें जो पैनल बने उसमें कहा गया है कि मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। चौथी बात, जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है, इनको जरा सा भी लाल सर्व नहीं है, ये चुल्लू भर पानी में डूब के इनको मर जाना चाहिए,
क्योंकि वो शिवलिंग है और कहीं से भी वो नहीं लग रहा है कि ये फव्वारा है। ठीक है, महान जी जरा संयम के साथ अपनी बात रखिए, भाषा के मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। मुझे लगता है हम सही शब्दों का मर्यादा हमें अपनी बात जो है वो उसी मजबूती के साथ कर सकते हैं। पांचवी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब नजरें जो है वो वाराणसी की अदालत पर लगी हुई है, कार्बन डेटिंग कराई जाएगी या नहीं, इसी को लेकर अदालत फैसला सुनाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।